सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे चैनल के एक और नए व्लॉग पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। एंड गाइज आई होप कि भैया आप सब लोग एकदम झकाझक होंगे। चकाचक नहीं, झकाझक भैया, ये हमारी पर्सनल लैंग्वेज है। तो गाइज यार कल लखनऊ से लौटते लौटते मुझे रात का 9:30 बज गया था और भैया लखनऊ का ट्रैफिक बाप रे बाप। इसी वजह से अपना लखनऊ जाने में थोड़ा सा मेरा मन जो है ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि यार अब वहाँ पे इतना ज्यादा ट्रैफिक होने लगा है कि भैया दिमाग खराब हो जाता है। एक तो मैं एक दिन पहले से जग रहा था, तो भाई गाड़ी चला के जाने आने में पूरा भैया हालत ऐसी हो गई थी कि भैया जैसे ही मैं घर पहुँचा हूँ बिस्तर देखा है और सीधे बिस्तर पकड़ लिया भाई। तो इसी वजह से यार मैं रात में वीडियो को एंड भी नहीं कर पाया था और आप लोग से कोई बात भी नहीं करी थी। फिर रात में 3:30 के आसपास मेरी नींद खुली थी, तब जाके मैंने आखिरी का थोड़ा सा पार्ट शूट किया था वीडियो को एंड करने के लिए। तो हाँ गाइस कल का कुछ ऐसा ही सीन रहा था। बाकी अभी आज जो है सो के जाग गए हैं और अभी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा घर के बाहर, देखते हैं आज का सीन कैसा है। और भैया जरा सा चलते हैं बाहर, ये देखिए भाई इनको। हाँ बेटी क्या कर रही हो, लेटी हो तुम? हेलो मेरी बेटी, क्यों हो तुम लेटी? सो यार गाइस आज का मौसम कुछ धूप वाला नहीं है, बदरी बदरी हो रखी है, बादल हैं और यार सूरज भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए जरा ये आसमान में, ये देखिए बादलों में सूरज छुपा हुआ है और एकदम ये देखिए धूप नहीं है बहुत ज़्यादा, एकदम बादल बादल से हैं। तो हाँ गाइस आज मौसम की ताज़ा खबर यही है कि भाई सूरज नहीं निकला है और बादल छाए हुए हैं, तो हो सकता है कि भाई पानी भी बरस जाए, हो सकता है। अब भाई हम अंतर्यामी तो है नहीं। एंड गाइस यार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि यार मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना, तो जैसे रास्ते में मैं समोसा खाता हूँ या मतलब कोई भी चीज़ खाता पीता हूँ, या मैं मतलब वहाँ पे लखनऊ में जब जाता हूँ तो किसी जैसे इमामबाड़ा हो गया या कोई भी जगह होती ना जिसका मैं वीडियो बनाता हूँ, तो यार जब मैं लौट के आता हूँ ना, तो जैसे किट्टू हो गई या घर में कोई भी जब वो वीडियो देखता है ना, तो मुझसे सब लोग ये कहते हैं कि हाँ भैया तुम तो भैया घूमने जाते हो, तुम्हारी तो भैया मौज है, हम लोग को कभी ना लेके जाओ ना कभी घुमाओ ना खिलाओ ना पिलाओ। तो यार गाइस मैं उन लोग को क्या बोलूँ ये मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं तो काम से ही जाता हूँ लेकिन भाई व्लॉगिंग करना है तो उसमें से हल्का सा टाइम निकाल के और कुछ ना कुछ जुगाड़ भिड़ा के मैं थोड़ी देर पर जैसे मान लीजिए कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ पर थोड़ी देर रुक के थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ ताकि मैं उसे अपने व्लॉग में डाल सकूँ। बट बाकी लोग ये सोचते हैं कि भैया मैं पर्सनली वहीं पे घूमने गया था और पर्सनली मैं खाने गया था या ये करने गया था वो करने गया था, तो भाई अब मैं क्या करूं इसका मुझे कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। सो गाइस यार शाम हो चुकी है और अभी भी एकदम बादल है, शाम हो गई है अब तो मतलब एकदम ही बादल बादल छाए हुए हैं वैसे भी। तो यार शाम हो गई है और आज लूसी को टहलाने नहीं ले गया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि उसको टहला दूँ। तो गाइस आइए चलते हैं जरा सा घर, लूसी को ले आते हैं क्योंकि यार उसको भी टहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। ए, रुक जाओ फिर मार, एकदम पूरी ताकत मत लगाओ। हाँ चलो चलो अंदर चलो अंदर। क्या है सो गाइज यार रात हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और गाइज ये देखिए अभी मैं घर के अंदर हूँ, तो ये देखिए किट्टू जो है किट्टू कार्टून देख रही है। और यार गाइज एक चीज बताना चाहूँगा, भैया किट्टू के जो दांत है ना वो बहुत तेज चलते हैं और किट्टू जो है वो सबको काट लेती हैं, और आज भी इनके दांतों का एक बच्चा शिकार हुआ है गांव में, बेचारा रोते रोते अपने घर गया है, इसलिए आज अभी मैंने इनकी पिटाई भी करी है।
क्योंकि ये बार बार ना किसी भी बच्चे को अगर कोई वो इसे परेशान करता है तो ये उसके दांत काट लेती है। लेकिन यार भाई, छोटा बच्चा अगर किसी को भी दांत काट लोगे तो भैया रोने लगेगा ही लगेगा। तो इसी वजह से आज इनकी पिटाई करी है, क्योंकि इन्होंने एक बच्चे को दांत काट लिया था। किसको दांत काटा था? क्यों काटा था? इसकी आवाज बंद करो। हाँ बताओ, क्यों काटा था? दरवाजा बंद कर रहा था। दरवाजा बंद कर रहा था? तो दरवाजा बंद करेगा तो तुम दांत काट लोगी? अब काटोगी? हैं? नहीं। पक्का? नहीं। पक्का ना? हाँ। दांत नहीं काटना बाबू, ठीक है? ठीक। दांत काटोगी तो फिर कोई तुम्हें मारेगा तो? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? प्रॉमिस? तो गाइस यार, अभी रात हो गई है, 9 बज चुका है और यार अंधेरे में ज़्यादा इधर उधर कहाँ जाएं, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर जाता भी नहीं हूँ, घर ही में बैठा रहता हूँ अपना, या तो अपना सिस्टम पे जो भी कुछ वीडियो के लिए काम करना होता है वो सब करता रहता हूँ। और मतलब वही है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता हूँ रात में, क्योंकि गाँव के बारे में इतना मालूम भी नहीं है कब क्या हो। और हाँ गाइस, किट्टू ने जो है वो एक लड़के को काट लिया था, इसी वजह से मैंने उसको थोड़ा सा मारा वारा भी है और समझाया है, क्योंकि भाई काटना सही नहीं है ना किसी को, इसी वजह से। एंड गाइस ये देखिए, इनको बांध दिया गया है अंदर लाके, ये बैठ गई हैं यहाँ पे। और ये देखिए, इनकी आज धुलाई हुई है इसलिए ये आराम से जल्दी सो गई हैं। वाह भाई वाह, धुलाई में भी बिंदी लगा के सोई हैं। हाँ बताओ, बैठ जाओ। तो यार गाइस, रात में अब खाना वाना खा लिया, टाइम हो गया है 11 और अब क्या ही शूट करूँगा। मैंने सोचा इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि यार आज भी ना, कल बाहर गए थे, लखनऊ गए थे ना, तो थकान अकान बहुत हो गई थी, सही से नींद पूरी नहीं हुई है और आज मुझे बहुत जल्दी नींद आ रही है। तो गाइज इसीलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और भैया चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। एंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय।